वेलकम फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कुछ वोकैब्स। सिनोनिम ऑफ नेक्सस। तो आप लोगों ने मारुति का नेक्सस देखा है ना? नेक्सस मारुति का है ना? हाँ, तो नेक्सस का मतलब होता है, देखो ये कार एक दूसरे बात कर रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? जैसे नोकिया का मोबाइल आया था कनेक्टिंग पीपल, वैसे नेक्सस का भी सेम है, कनेक्शन, है ना? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कनेक्शन, ठीक है। सिनोनिम ऑफ मैमथ। हाथी जैसे एकदम दिखने वाला, है ना, लार्ज, एकदम पूरा सूर वाले, ऐसे पूरा बड़े बड़े सूर वाले, है ना, ट्रंक जिसके रहते हैं, है ना। तो ये सब मैमथ क्या होता है ना, ये सब बहुत ह्यूज होते हैं, है ना, बहुत ह्यूज होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैमथ का, ह्यूज, ऑफ एनर्मस साइज एक्सटेंट और अमाउंट, ह्यूज। सिनोनिम ऑफ इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, कोई रूड बी करते हैं ना, उसको कहते हैं इंसोलेंट। तो यहाँ पे इंसोलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिसरेस्पेक्टफुल। इम्यूटेट, है ना, इम्यूटेट। इम्यूटेट देखो, यहाँ पे देखो वर्ड देखो, EMU, है ना, इसको याद रखना, IMI। जब भी इमू देखोगे तो क्या बोलोगे, इमी, इमू, इमी। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमिटेट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत सारे एग्जामों में, आसाम एग्जाम में, SSC में, बैंक में, है ना, बहुत सारे में ये सब पूछ चुका है। तो ये इसका ट्रिक हो गया। इमू का हम लोग क्या याद रखेंगे, इमी, ठीक है। तो इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमिटेट, मतलब मैच और सरपास ए पर्सन और अचीवमेंट टिपिकली बाई इमिटेशन। एनचांट। एनचांट, ठीक है, एनचांटमेंट को एक मूवी, किसी ने मूवी देखा है एनचांटमेंट, वो देखने के बाद हम लोग को क्या है, कोई चार्म ऐसा कुछ आया था, चार्मनेस, है ना, वो पूरा मूवी देख के। तो इसका जो सिनोनिम है, है ना, वो क्या हो जाएगा, फैसिनेट। इसका मतलब होता है फिल विथ ग्रेट डिलाइट और चार्म। सिनोनिम ऑफ कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई राजा है, ठीक है, राजा, या फिर कोई एक व्यक्ति कोई पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो सब लोग बोलेंगे आर यू कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब, आर यू कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब। इसका मतलब क्या है, डू यू हैव एनी स्किल, स्किल आपके पास वो स्किल है जिसके कारण हम लोग आपको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो सिनोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेंट का, वो हो जाएगा इफिशियंट, हैविंग द नेसेसरी एबिलिटी, नॉलेज और स्किल टू डू समथिंग सक्सेसफुली। सिनोनिम ऑफ इनएडवर्टेंट। ठीक है, इनएडवर्टेंट का मतलब क्या हो गया, अनइंटेंशनली, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग। ओके, आज के लिए।